हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेड ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि आपका कोई भी अगर शिफ्टेड सिग्नल है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म आपको कैसे निकालना होता है। तो वो सब मैथमेटिकल चीजें तो मैं डिस्कस आपको करा दूंगा, प्रूफ करा दूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले पता हो कि शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप उस चीज को विजुअलाइज कर सकें और अच्छे से समझ पाए। तो शिफ्टिंग बेसिकली क्या है आपका, कि मान लीजिए मेरा एक सिग्नल है XT। अब शिफ्टिंग आपकी दो तरफ हो सकती है, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में। अगर मेरे को इस सिग्नल को मैं शिफ्ट करा देता हूं टू द राइट, ये कर सकता हूं मैं, तो ये जो है आपका डिलेड सिग्नल बन जाता है। राइट में आपने शिफ्ट कराया, इसको इधर से इधर ले गया मैं, इसकी जो यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था कुछ टाइम इंटरवल, लेट से टी के बाद स्टार्ट हो रहा है या आगे कहीं स्टार्ट हो रहा है, ये लेट से बड़ा टी यहां से, या फिर आपको के यूज होगा हर जगह तो के मान लीजिए, तो ये होगा एक्स टी माइनस के लिए आपकी ये बन गई। तो ये जो टाइम सिग्नल है ये शिफ्ट हुआ है टू द राइट, या इसको बोला जाता है डिलेड सिग्नल। अब शिफ्टिंग हो सकती है लेफ्ट में भी, तो लेफ्ट के लिए मैं अगर देखूं तो मान लीजिए अगर यहां से स्टार्ट होके सिग्नल ऐसे गया होता ये, तो ये आपका एडवांस्ड सिग्नल होता, एडवांस्ड सिग्नल होता, और ये शिफ्टिंग हुई है लेफ्ट साइड में। अब यहां पर ये स्टार्टिंग के से हुई है, तो ये टी प्लस के आ जाएगा, तो यहां पर टी था, यहां डिले है नेगेटिव के, एडवांस्ड है तो प्लस के, तो इस तरह से आपकी शिफ्टिंग होती है। तीन तरह की, दो तरह की शिफ्टिंग होती है, तीन तरह के सिग्नल मैंने यहां बनाए हैं, जो ओरिजिनल था, ये डिलेड सिग्नल, ये एडवांस सिग्नल। तो यही चीज जेड ट्रांसफॉर्म में होती है, कि जेड ट्रांसफॉर्म अब मुझे अगर मान लीजिए एक्स एन निकालना था, या फिर यू एन आप यूज करते हैं, या फिर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ मुझे यू एन माइनस के निकालना था, या जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन प्लस के निकालना था, तो कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टी से सीधा फॉर्मूला आ जाता है वो तो मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगा, बट ये चीज शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है। फिर आपको आपको पढ़ना ये है कि राइट में जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा इसका, उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट में होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, और वो फॉर्मूला याद करना है। तो मेरी शिफ्टिंग यू एन टू राइट स्टार्ट कर रहा हूं, ये कहती है कि अगर आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन यू जेड है, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन माइनस के है z माइनस के, जो भी आपका जितना भी शिफ्ट किया है ना, बस वो z की पावर में आ जाता है और यू जेड एज इट इज रहता है, बस इतना सा कहना होता है। शिफ्टिंग राइट में अगर शिफ्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है। तो जो मेरा मेन मकसद था शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बताने का, वो यही था कि आपको ये क्या है तुरंत फर्स्ट स्ट्राइक में ही समझ आ जाए, और मेरे को लग रहा है आप समझ आ गया होगा कि राइट में शिफ्ट हुआ है, जितना शिफ्ट हुआ है टाइम पीरियड वो माइनस के ऊपर चढ़ जाता है जेड की पावर में, बस इतना होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है राइट में शिफ्ट करने की। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, अगर आया एग्जाम में तो प्रूफ कैसे होगा। सो प्रूफ के लिए बाय डेफिनेशन मुझे ये पता है कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन माइनस के, कोई भी यू एन हो कोई भी फंक्शन हो, वो होता है वो फंक्शन एज इट इज z टू द पावर माइनस एन और सिग्मा एन टू इन्फिनिटी। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, n माइनस के को लेट से p ले लिया, तो n की वैल्यू हो गई p प्लस के, और यहां पर जैसे n टेंडिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी है, सिमिलरली p भी वही टेंड करेगा, तो यहां पर मैंने इसको चेंज कर दिया, जेड माइनस
तो ये यू पी जेड पी प्लस के कुछ इस तरह हो गया। अब इसको अगर मैं देखूं यहां पर वैल्यूज डालूं तो ये कुछ यू जीरो जेड टू द पावर माइनस के, यू वन जेड टू द पावर माइनस के वन, यू टू जेड टू द पावर माइनस के प्लस टू, इस तरह से आपका बनता जाएगा। अब ये बनता जा रहा है, इसमें अगर देखूं तो मैं z टू द पावर माइनस के अगर बाहर निकाल लेता हूं तो ये फिर से बनेगा u या फिर इसको छोड़ो u नॉट प्लस u वन u टू, ये आपका चलता जाएगा। इसको तो पूरे को मैं जानता हूं z टू द पावर माइनस के, ये तो पूरा फॉर्मूला है यू जेड का, ठीक है। डेफिनेशन से तो यही होता है ना, यू नॉट प्लस यू वन बाय वन बाय जेड प्लस वन बाय जेड स्क्वायर, ये मेरा यू जेड का फॉर्मूला है सीधा। तो मैंने प्रूव कर दिया अपना जो मुझे प्रूव करना था कि यू एन माइनस के इज इक्वल टू जेड माइनस के यू जेड, जो कि मेरी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, मैंने प्रूव कर दी। प्रूव आ सकता है नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है। इसके बाद शिफ्टिंग टू द लेफ्ट का प्रूव भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल सिमिलर प्रूव होगा। उसका फॉर्मूला एक बार मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं और फिर सिग्निफिकेंस क्या है, कहां यूज होता है। शिफ्टिंग टू द लेफ्ट यूज होता है आपका आगे जाके जब आप एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं जेड ट्रांसफॉर्म के, तो वो कहां यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और शिफ्टिंग यू एन टू लेफ्ट, अब लेफ्ट में अगर शिफ्ट करूं तो फॉर्मूला मेरा है कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन यू जेड होता है। अगर वही z ट्रांसफॉर्म शिफ्टेड लेफ्ट शिफ्टेड का है, यू एन प्लस के का है, तो वो जैसे वहां पर आया था नेगेटिव के, यहां पे पॉजिटिव के आ जाएगा, आपको पता है। और आगे आपका सेम चलता रहेगा, यू जेड माइनस यू नॉट, ये आपका आएगा। प्रूफ इसका बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, आपको कभी नहीं पूछेंगे प्रूफ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, इससे आपके पास आएंगी वैल्यूज z ट्रांसफॉर्म ऑफ u n प्लस वन की। अगर देखो इसके हिसाब से जाऊं तो आएगा z u z माइनस u नॉट, अगर इसी के हिसाब से जाऊं z u n प्लस वन टू की, मुझे अगर निकालनी है तो n प्लस टू के लिए, तो वो आ जाएगा z स्क्वायर, इसके बाद आपका यू जेड तो आएगा ही, फिर आपका यू नॉट का टर्म भी आएगा, और उसके बाद एक एडिशनल यहां तक आपके तीन टर्म्स आपके आ जाएंगे। तो ये आपका यू नॉट माइनस यू वन जेड इनवर्स। अब अगर थ्री के लिए निकालूं तो यहां तक ये टर्म्स को उठा लेगा। अब इसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन में क्या होता है, जो डिफरेंस इक्वेशंस होती हैं, ये यू एन प्लस टू प्लस फोर यू एन प्लस थ्री यू एन इक्वल टू थ्री एन, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपका आता है करने के लिए, विद यू जीरो की वैल्यू जीरो दे दी आपको, यू वन की वैल्यू वन दे दी, फिर ये बोलते हैं कि सॉल्व कीजिए इसको आप z ट्रांसफॉर्म लगा के। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये चीज को आप पहले चेंज करते हैं, यू एन प्लस टू को ये लिखते हैं प्लस में, यू एन प्लस वन को फोर ये पूरा लिखेंगे, यू एन को भी आप चेंज करेंगे, और ऐसे ही आप पूरा करके फिर उसमें z ट्रांसफॉर्म और आगे का प्रोसीजर जो लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो मैं आगे सिखाऊंगा जब एप्लीकेशन सिखाऊंगा, बट तब आप यूज करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ यही है कि ये आगे हम यहां यूज करेंगे, इसलिए हम इस चीज को यहां पर सीखते हैं। बाकी प्रूफ इसका आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, राइट वाले का शायद आ जाए,
इसका शायद ही आ सकता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि नहीं आएगा। आपको सिर्फ पर ये फॉर्मूले बाय हार्ट कर लें, आप यहाँ तक UN प्लस 2 तक करें बस, आगे भी अगर आपकी श्रद्धा है तो यहाँ पर, क्योंकि कुछ खास हो नहीं रहा, एक पैटर्न है वो मेंटेन हो रहा है, 1 के लिए यहाँ तक, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए U3 रहा होता और Z की पावर -3 हो जाती, तो उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं, आप याद कर लें उसको और आगे उसी चीज को फॉलो करते जाएं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो।